तो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजा मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज के सेशन में। और इस वीडियो का एक पर्पस है कि क्या जीआईबी के रिसेशन के पहले हमें आईएमएफ का मेंबर होना कंपलसरी है, मेंबर्स क्यों कंपलसरी है और कैसे होगा, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सभी लोगों को वेलकम। आई होप आपने इस सेशन को लाइक कर दिया होगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे करें सब्सक्राइब। गाइस, सबसे पहले आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन दिख रही है जो मैं लाइव दिखा रहा हूं आप लोगों को। क्या है ये इन्फॉर्मेशन? जो मई जून साइकिल का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो आज से स्टार्ट होने वाला है, और ये आज की डेट है 5th of March 2024। और ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे आज दोपहर 3 PM से। तो पहला कंसर्न ये है, क्या सर इस रजिस्ट्रेशन के पहले हमें आईएफएफ का मेंबर होना कंपलसरी है? तो यस, बिल्कुल कंपलसरी है आपको इसका मेंबर होना, बिल्कुल। कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट साइट पे ले चलता हूं। अगर हम बात करते हैं आईएफएफ की साइट, तो देखिए आप लोगों को साइट ही दिख रही होगी, लाइव में दिखा रहा हूं। यहाँ पर जब आप अपने आप को वो करेंगे, विजिट करेंगे, तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई नाउ। जैसे ही आप अप्लाई नाउ करते हैं तो यहाँ पे आपको जो पहला ऑप्शन आ रहा है मेंबरशिप, दूसरा आ रहा है एग्जाम मेंबर्स, एंड तीसरा आ रहा है नॉन मेंबर। नॉन मेंबर मतलब कहने का जो बैंक में जाने वाले हैं या उनका सिलेक्शन हो गया बट उनको अभी तक बैंक का परमिट लेटर नहीं मिला, मतलब DBF की बात हो रही है। तो जैसे ही आप मेंबरशिप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी लाइक दिस वन। यहां पे क्या क्या है, जैसे हाउ टू अप्लाई, FAQ, इंस्ट्रक्शन, ID प्रूफ, ऑर्डिनरी मेंबर रजिस्ट्रेशन, सब चीजें। तो आपको जो इसमें क्लिक करना है मेंबरशिप के लिए, गाइस मैं फिर से कह रहा हूं, बिना मेंबरशिप के आप जीआईबी के रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। जीआईबी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यहां मैं आपको ये बताऊंगा कि आप मेंबर कैसे बनेंगे एंड हाउ यू गेट द मेंबरशिप नंबर, ठीक। तो यहां पर आपको क्लिक करना है ऑर्डिनरी मेंबर रजिस्ट्रेशन पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी लाइक दिस वन, जिसमें लिखा हुआ रहेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, है ना। और ये सिंपल सा आपका रजिस्ट्रेशन पेज है जहां फाइल नेम है, यानी आपका फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम जो भी अगर आपका, यानी अपने नाम डालेंगे यहां पर, और फिर यहां पे नीचे आपका फुल नेम आ जाएगा। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको क्या डालना होगा, जैसे सिंपल से नहीं हम लोग फॉर्म भरते हैं, सिंपल फॉर्म भरना है, एड्रेस लाइन वन, फिर एड्रेस टू, फिर एड्रेस थ्री, डिस्ट्रिक्ट सिटी इन, और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक। इसके बाद बहुत लोगों का दोनों एड्रेस एक ही रहता है, वो चूज कर लिया। उसके बाद फिर नीचे मांग रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर आपकी क्वालिफिकेशन, आप अंडर ग्रेजुएट हैं, आप ग्रेजुएट हैं, प्लस यहाँ पर आपको रेक्टिफाई करना है कि आप कौन से, जैसे मैंने मान लो क्लिक किया मैंने अंडर ग्रेजुएट पर, तो आप हमने 10th पास किया है कि हमने 12th पास किया है, वो डालना होता है, ठीक है। हमने कौन से इंस्टीट्यूशन से किया, हमने किस इंस्टीट्यूट में हम काम कर रहे हैं, देखिए यहाँ सारे नाम आ जाएंगे इंडिया में जो बैंक आईएफएफ का मेंबर है। तो सपोज इसमें सभी का नाम आ गया, मैंने चूज कर लिया DBC बैंक लिमिटेड, ठीक है। तो पूछेगा ब्रांच कौन सी है, फिर आपका डिजिग्नेशन क्या है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव हैं, डिप्टी मैनेजर हैं, सब ऑर्डिनेट स्टाफ भी हैं, सीनियर ऑफिसर है, जो भी आपकी पोजीशन आप उसको यहाँ फिल करेंगे। मैंने ऑफिसर फुल फिल कर दिया। फिर आपका बैंक एम्प्लॉय ID जो आपको बैंक ने अलाउड किया है वो, फिर आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी क्या है, मैंने वो चूज कर लिया 2 फरवरी 2024, सपोज इसी मंथ मैंने चूज किया। और यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो ईमेल आईडी डालेंगे ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वही ईमेल आईडी डालिएगा जिसके साथ आप कम्युनिकेट करेंगे,
ठीक है, फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ आप डालेंगे आधार नंबर। अब यहाँ पर दो चीज़ें समझिएगा कि आपको जो अपना स्कैन डालना है फोटोग्राफ वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना। और उसकी जो गाइडलाइन आप ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ आपको देखो गाइडलाइन दिखेगी पूरा, ठीक है, कि फोटो क्या होगा, क्या सिग्नेचर होगा, क्या सब कुछ इसमें डिटेल आपको मेंशन कर लिया। तो यहाँ पे आपने ऊपर क्या अपलोड कर दिया, फोटोग्राफ, और नीचे अपलोड कर दिया आपने अपना सिग्नेचर। दोनों ही आपका फोटो और आपका सिग्नेचर 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करना कंपलसरी है जो बैंक आपने इशू किया। Who have not been issued employee ID card, then upload any of the following। यानी मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको आपकी ज्वाइनिंग तो हो गई बट अभी आपका ID card नहीं बना है, कुछ केसेस में ऐसा होता है, तो उस केस में आपको अपना आधार नंबर, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID card और DL ये आपको अपलोड करना होगा, ठीक है, आप अपलोड करेंगे। अब उसके बाद एक बार इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डिक्लेरेशन आपको देना होगा जो मैंडेटरी होता है बैंकर को। वो कैसा होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक दिस वन, इस फॉर्मेट में होगा कि आई द अंडरस्टैंड कंफर्म दैट आई एम रेगुलर परमानेंट मेंबर। इसलिए ऐसा है कि आप जस्टिफाई करें कि आप एक मेंबर है बैंक के, और इसको भल करके आप साइन वो अपने बैंक ऑफिसर से आप साइन करवा लेंगे, ऑथराइज हो गया, और फिर आप यहाँ पर उसको अपलोड कर देंगे। आई एग्री टू रिसीव एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट, अगर है तो ठीक है। फिर नीचे आएंगे, अगर आप डिजेबल्ड हैं कि नहीं है, आप नॉर्मल हैं वो फिल करेंगे, बाकी कोई थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं, है ना। और यहाँ पर डालेंगे आई एक्सेप्ट, और यहाँ डालेंगे सिक्योरिटी को, और आएगा प्रीव्यू एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। गाइस मैं फिर से कह रहा हूँ, ये प्रोसेस करने के बाद आप के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में विद इन 48 आवर्स के अंदर, कभी कभी तुरंत भी आता है, नहीं तो 48 आवर्स इज मैक्सिमम, आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आपको मिलेगा आपका मेंबरशिप नंबर और आपका उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड। जब ये मिल जाएगा फिर उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, फिर आप साइट पे आएंगे होम पेज पर, और यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पर फिर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्या आ गया ऑप्शन, पहले यानी आपको मेंबरशिप मिल गई, यानी यू आर नाउ मेंबर ऑफ IFF। अब आप एग्जाम में किस में क्लिक करेंगे, मेंबर्स में। गाइस यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप बैंक के मेंबर नहीं है यानी बैंक एम्प्लॉय नहीं है तो उस केस में आपको नॉन मेंबर चुनना है। बट क्योंकि, और एक बात याद रखना, मेंबरशिप दोनों ही केस में नीड है, बट अगर आप बैंक के एम्प्लॉय हैं तो आपको चुनना है एग्जाम मेंबर्स के लिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ ध्यान से दीजिए, क्योंकि अभी ये 3 PM नहीं हुआ है, जैसे ही 3 PM होगा ना तो यहाँ एक GIB का टैब ऐड हो जाएगा, और वहाँ के हिसाब से उस पर क्लिक करेंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी गाइडलाइन ओपन होगी, दिस वन मैं दिखाता हूँ, यस, GIB पे क्लिक करेंगे तो वो आपका मांगेगा मेंबरशिप नंबर, और उसके बाद मांगेगा आपका क्या, वो पासवर्ड। ठीक है, और जब आप लॉगिन कर लेंगे, समझिएगा, लॉगिन करने के बाद यहां एक ऐसी विंडो ओपन होगी आपके सामने, और आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर एग्जाम, एग्जाम एप्लीकेशन हिस्ट्री, डाउनलोड एडमिट लेटर, ट्रांजेक्शन डिटेल, योर पेमेंट डिटेल, एडिट प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड एंड सो। यानी अब आप GIB का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और यहाँ देखिए यहाँ एक टैब बना हुआ है GIB का, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक फॉर्म ओपन होगा और प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये था कि आपका मेंबरशिप होना कंपलसरी है बिफोर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है, कैसे करेंगे वो आपको बताऊंगा मैं अगले वीडियो में।
आई होप जैसे ही 3 o'clock होगा आज का रिसेशन स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। ये रिसेशन सभी के लिए स्टार्ट होंगे, चाहे आप बैंक एम्प्लाई हैं या नहीं हैं। अगर आप बैंक एम्प्लाई नहीं हैं या होने वाले हैं तो उस केस में आप एलिजिबल हैं DBF के लिए, विच इज़ कॉल्ड डिप्लोमा इन बैंकिंग फिनांस। ये उनके लिए जो बैंक ज्वाइन करने वाले हैं या जिनको अपना नॉलेज इन्हेंस करना, भाई बैंक ज्वाइन करेंगे ही, तो याद रखिएगा DBF एंड GIB बोथ आर सेम। DBF ओनली उनके लिए जो बैंक एम्प्लाई नहीं है एंड GIB उनके लिए जो बैंक के एम्प्लाई है। तो मैं फिर से एक बार गो थ्रू कर देता हूँ। सबसे पहले आपको साइट विजिट करनी है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। आपको मेंबरशिप लेनी है, मेंबरशिप लेने के बाद 3 o'clock के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर आप बैंक एम्प्लाई हैं तो एग्ज़ाम मेंबर में, बैंक एम्प्लाई नहीं है तो नॉन मेंबर में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, ये उनके लिए है जैसे आपको DBF के लिए। तो यहाँ देखिए, जब क्लिक करेंगे ना नॉन बैंक का रजिस्ट्रेशन पर तो एक टैब ओपन हो गया DBF के लिए। आप इसे क्लिक करेंगे तो बस ये ओपन होगा। तो गाइज 3 months हमारे पास है ओनली, मार्च अप्रैल और मई। मार्च में जितना हो सके, अभी जैसे आपने जर्नी आज से स्टार्ट की, बहुत लोग एक्टिव होंगे आज से, तो अगर आपने जर्नी आपने स्टार्ट की आज से, तो अगले 1 महीने में आपको अपना करना होगा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर 1। नंबर 2, अगले मंथ अप्रैल में आपको सारे मॉडल वाइज जो रिवीजन करने होंगे। एंड तीसरा, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ फॉर योर GIB एग्जामिनेशन, आपको अपने आप को इवेल्युएट करना होगा थ्रू प्रैक्टिस एंड देर आर सो मैनी मैराथन क्लासेस। तो ये सारा जो कोर्स है ना, हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, सिर्फ एक प्लान है, उस प्लान का नाम है ओनली GIB सुपर इलीट प्लान। एकदम ऑनेस्ट, आपको कुछ टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस प्लान को ऐसा डिज़ाइन किया गया है, सबसे पहले आपका हम इस प्लान में करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर थ्रू लेक्चर बैच और थ्रू GIB क्रैश कोर्स के द्वारा। फिर इसी प्लान में आपको हम रिवीजन भी कराएंगे, ये अवर कमिटमेंट। और चारों पेपर, पेपर टू एंड पेपर थ्री, और तीसरा आपको हम इसी प्लान में कराएंगे आपका केस स्टडी एंड MCQ बैच। ये सब कुछ आपको इस प्लान में मिला। और आज गाइस बहुत अच्छा ऑफर चल रहा, आइए देखते हैं इस ऑफर को। आप विजिट करें olipo.in पर, वहां पर आपको सबसे ऊपर दिखेगा GIB सुपर इलीट प्लान। इस प्लान को क्लिक करें। इसी प्लान में GIB ऑल इन वन बैच भी, इसी प्लान में लक्ष्य बैच भी है जो आपका करेगा क्लियर। यहां पर देखिए, आप अपने आप को एनरोल करें। जब एनरोल करेंगे ना एनरोल नाउ में, तो यहां पर एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। और याद रखना सभी लोग सर की मेगा मार्च मैनी है, लेकिन यूज करना है कोड आपको राजीव। और अभी सामने वैलिडिटी है 6 months की, आज लॉन्चिंग ऑफर है। आपने जैसे ही कोड यूज किया राजीव, देखिए ओनली आपको देना होगा आज 3599, ओनली 3599 अगर आपने कोड यूज किया राजीव RAJEE। और अगर आप 12 months का लेते हैं तो आपको लगेगा ओनली 4499। गाइस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर सब कुछ मिलेगा आपको। नंबर 1 आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, नंबर 2 रिवीजन, एंड नंबर 3 आपका MCQ, जहां पर हर एक मेंबर आपको कराएंगे कम से कम अपने पेपर का 1000 MCQ। और मैंने हमेशा कहा है आपको GIB का सुपर इलीट प्लान ही एनरोल करना है। तो विजिट करें और जल्दी से इस प्लान में अपने आप को एनरोल करें, क्योंकि जो हमारा GIB ऑल इन वन बैच है, जहां हम रिवीजन जो को मैंने बोला एंड क्रैकर विच इज कॉल दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। विजिट करें olipo.in पर, यूज करें कोड राजीव और आज इस प्लान में अपने आप को एनरोल करें। और लक्ष्य बैच 2.OBC प्लान में इंक्लूड कर दिया गया, यानी कि आपको बार बार कुछ लेने की नीड नहीं, ठीक है।
कोई भी डाउट है इस वीडियो के बाद अगर आपको रहता है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू गाइस। और अगर अच्छा लगा सेशन तो जरूर इसे लाइक करें, प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें एंड हमें बताएं कमेंट करके कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। मिशन जीआईवी स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, सभी लोगों को थैंक यू जुड़ने के लिए। गुड बाय।